नवादा में शराब के नशे में शिक्षक गिरफ्तार। शिक्षक सहित तीन लोगों को पुलिस ने पकड़ा, तीनों को भेजा गया जेल। क्रिकेट के विवाद में बाप बेटा समेत चार की पिटाई। आरा सदर अस्पताल में कराया गया जख्मियों का इलाज। शुक्रवार शाम हुआ था झगड़ा। औरंगाबाद में सिन्हा कॉलेज में खुदाई के दौरान मिली पंचमुखी शिवलिंग। भवन निर्माण के लिए खुदाई में मिला शिवलिंग, टेकारी महाराज के समय का बताया जा रहा। मधेपुरा में लूटपाट के क्रम में युवक को मारी गोली। अपराधियों ने देसी कट्टा दिखाकर बाइक को रुकवाया, फिर की लूटपाट की कोशिश। विरोध करने पर मारी गोली। पलामू में 6 साल छोटी प्रेमी संग पकड़ाई विवाहिता। समझाने पर नहीं माने तो पति ने उसे प्रेमी के साथ विदा किया, बेटी को भी ले गई। पूर्णिया में उप स्वास्थ्य केंद्र का हाल बेहाल। लाखों की लागत से बने उप स्वास्थ्य केंद्र में नहीं आते डॉक्टर, अधिकारियों की लापरवाही के भेंट चढ़े। यूपी विधानसभा चुनाव में जदयू बीजेपी अलग अलग। जदयू ने जारी की 26 सीटों की पहली सूची, आरसीपी की कोशिश बेकार गई। सिवान में सड़क दुर्घटना में एक की मौत, 3 घायल। बाइक टेम्पो की टक्कर में किशोर की मौत। इधर मुर्गा दुकान में घुसा ट्रक, 3 गंभीर हालत में रेफर। मुजफ्फरपुर में हटाए गए डाटा ऑपरेटर की आईडी से गलती, एक महिला का मौत होने का डाटा किया अपलोड। सरैया थाना में 2 के खिलाफ FIR दर्ज। मोतिहारी में किसान की गोली मार हत्या, बथानी में सो रहा था, अज्ञात अपराधियों ने सिर में मारी गोली, मौत। सुधीर से मारपीट में SSP ने दिया जांच का आदेश, टाउन DSP से मांग की रिपोर्ट। CCTV फुटेज के आधार पर होगी कार्रवाई। 48 घंटे तक बूंदाबांदी का पूर्वानुमान। बिहार में MP से बन रहा बारिश का माहौल, 2 दिन बाद ठंड से होगी थोड़ी राहत। तीसरी लहर के पीक को लेकर कंफ्यूजन में सरकार। वायरस के म्यूटेशन और नेचर पर साफ साफ नहीं बोल पा रहे स्वास्थ्य विभाग के अफसर। अशोक और औरंगजेब कंट्रोवर्सी पर बोले प्रेम कुमार मनी। मनी ने औरंगजेब की ईमानदारी के दिए उदाहरण, कहा टोपी सी कर जरूरतें पूरी करता था। बीजेपी MP ने मुकेश सहनी से मांगा इस्तीफा, सांसद निषाद बोले तुम्हारा खेल खत्म। गठबंधन में रहना है तो जय मोदी जय योगी कहना होगा।